आज ये दसवां दिन है योम सड़क का और पहली तारीख से आज तक मुसलसल ये अजादारी और मुहर्रमदारी का सिलसिला चला और बड़े अमन अमान के साथ ये मनाया गया और इसमें तमाम के अपने अपने नतीजे के साथ तमाम लोगों ने अपने किया आजादारी और दखत और ताजियों का सिलसिला दिया सभीों का और जगह जगह रोजे सजे और आज यहाँ करबला में कितने अब तक आ चुके हैं और कितने आ सकते लगभग करीब ताजिए जो हैं और सख्त और सारियों के करीब छिहत्तर सख्त और ताजिए 2 बजे तक आ चुके हैं और 76 लोगों के आमल हो चुकी है अब तक और ये जाकर 400 के करीब ऊपर जाकर बैठेगा शाम तक और ये प्रोग्राम सारा हमारे ईदगाह करबला कमेटी की जानिब से ये सब व्यवस्थाएं यहाँ बनाई गई हैं और जो यहाँ पर जो सख्त ताजियेदार आ रहे हैं और जो अकीदतमंद आ रहे हैं और जो इस तरह से लोगों का खिदमत अंजाम देना है कहीं किसी को कोई दिक्कत ना और होया पाया कि यह कैंप लगा है हम जो बच्चे अब तक सुबह से 5 बच्चे होके अपने वालदेन से मिल चुके हैं और शाम तक ये कई काफ़ी तादाद में पहुँच जाएंगी और जो बच्चा रोतवा आता है यहाँ से हर सुबह जाता है यह यहाँ की एक परंपरा है और यहाँ पर यकीनत के साथ जो भी दिल से मांगेगा वो हुसैन पूरा करेंगे यहाँ की है और ईदगाह मेला करबला कमेटी बहुत मुस्तैदी से अपने फराइज को अंजाम देती है कहीं किसी को कोई दिक्कत नहीं आए इस बात का पूरा प्रयास है हम यहाँ पर संचालन कर रहे हैं इस बात का प्रयास करते हैं कि यातायात नियमों का पालन कीजिए खोया पाया कोई बच्चा मिल जाए कहीं वो सच का चला कर हमारे कैंप पर ला के पहुँचा दें हमारे वॉलंटियर ढूंढ के ला के आते हैं और कोई भी अनजान व्यक्ति आपको कोई चीज़ दे आप ना खाएं और कोई अनजान जगह कोई चीज़ पड़ी मिले
तो आप उसको सुने ना, हमें उसकी सूचना दें। यदि कोई विशेष जानकारी है तो हमारे कैंप पर आके हमें दें। चारों तरफ हमारे कैमरे लगे हैं, आप कैमरे की नजर में, हम आपकी हर कारगुजारी को देख रहे हैं और हमारी सारी वर्दी है और पुलिस वर्दी में भी एक तमाम और पुलिस कर्मी तैनात है। हम आपकी हर कारगुजारी को आपकी नजर है हमारी जानी से ये सारे और बाखूबी हर तरह से हर एक हमारे वॉलंटियर और हमारे मेंबर हैं, उन सब हर एक पे नजर रखे हुए हैं और अमन शांति के साथ इस मेले को, इस यहाँ पर जो ताजिए अलम खड़े जो सब आती हैं बड़े आदर व एहतराम से हाजिरी करवाती है। यहाँ पर अब तक जो तीन दिन का ये चलता है जिसमें आज अशोक जी ने आज अलम पेश होती है ताजिए, उसके बाद लंगर का इंतजाम किया गया है और दूसरे वाले दिन हम लोग जारी रखते हैं लंगर का होता है, तीन दिन लगातार लंगर चलता है। इसके साथ साथ हर तरह से इसमें हमारी सिविल डिफेंस के लोग और जो कमेटियां हैं अमन कमेटी और समाज सेवा और वॉलंटियर जितनी संस्थाएं यहाँ पर समाज सेवी संस्थाएं हैं वो यहाँ आती है और हम उनका सहयोग लेते हैं और वो हमें सहयोग करते हैं हर तरह से, वो हमारे साथ हैं। यहाँ पर जैसे हमारे हर साल भाई लगन के साथ और भाई बहनों के साथ बच्चे हैं मंदिर साहब हैं और मेहताब भाई भाई वाहिद भाई और लोग हैं, वो सब लोग हर तरह से हमारे साथ लगे रहते हैं और कंधे कंधे मिलाकर हर चीज पर नजर रखते हैं। यहाँ पर मेला बहुत बड़ी तादाद में लगता है, लाखों की तादाद में लोग आते हैं और उन पर नजर रखना कोई गौरव न हो, औरतों का भी यहाँ पर ज्यादा रहना है। तो जिस तरह से यहाँ पर उसमें भी हम लोगों ने वॉलंटियर तैयार कर रखी है, उसमें नजर रखी है, आरसीसी के कैमरे लगे हुए हैं। मैं हर तरह से इस मेले के लिए तैयार रहते हैं। अभी सब कुछ ज्यादा निकला लेकिन बड़े आदर व एहतराम के साथ माशाल्लाह उन्हें मिला है और हम यही चाहते हैं कि शांति के साथ अमन के साथ आदर व एहतराम के साथ सब लोग आए और हाजिर दिए और उनके अपने घर जाए और किसी तरह से कोई गलत न हो। इस पर हम कड़ी मेहनत रखते हैं।